अच्छा सोचा है, और गोपाल यह मैं समझता हूँ बहुत पहले निर्माण पूरा हो जाना चाहिए था, लेकिन कैंट की ओर से कुछ आपत्ति आई थी तो फिर इसकी जो गति थी वो पूरी तरह से थम गई। बहुत जल्द ही इसको हम प्रयास करेंगे कि यह कार्य प्रारंभ हो जाए और जनता जिस बात की प्रतीक्षा कर रही थी उसको सुविधा मिले, जल्दी से जल्दी उसको सुविधा मिल जाए। जो सर्विस रोड है इसको पूरी तरह से निर्देश दे दिया गया कि इसको तत्काल कंप्लीट कराने की प्रक्रिया प्रारंभ करें, और इसको निर्माण करने में तो थोड़ा समय लगेगा लेकिन यह भी शीघ्रता से पूरा करने का प्रयास होगा और सर्विस रोड कम्प्लीट कर दें। ये काम चल नहीं रहा था ना, काम तो कैंट की ओर से आपत्ति आने के बाद रुका हुआ था, इसलिए इसकी जेडी चेंज करने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई है और वो एक सप्ताह 10 दिन में कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद इस कार्य को प्रारंभ कर हम दिखवा लेते हैं। क्या है उसको भी दिखवाइए, और दिखवा करके कहीं पर भी कोई ऐसी मतलब समस्या है जो पब्लिक को प्रॉब्लम कर रही है उसे हम तत्काल दूर करेंगे। निश्चित तौर से इस समय विश्व बाजार में कच्चे तेल के मूल्य में भी वृद्धि हुई है और निश्चित तौर से डॉलर के मुकाबले रुपए में कुछ गिरावट भी आई है। यह केवल भारत के कारण से नहीं, विश्व बाजार में जो परिस्थितियां पैदा हो रही उसके कारण है। फिर भी डीजल आदि की महंगाई को लेकर के सरकार चिंतित है और क्या इसका विकल्प, क्या रास्ता, कैसे सहूलियत क्या दी जा सकती है उसके लिए विचार हो रहा है। नहीं, घटनाएं घटी है, जो अपराध किया है उसको छोड़ेंगे नहीं, और इस प्रकार की घटना भविष्य में कैसे रोकी जा सकती है उसके लिए कड़े कदम उठाए जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के पास हमारे गठबंधन के ऑलरेडी पुराने साथी हैं, अभी कोई नए मतलब किसी को शामिल करने की योजना नहीं है। लोकसभा चुनाव भाजपा अकेले दम पर जीत रही है तो किसी को शामिल करने क्या हो सकता है।